रमशा को रेलगाड़ी में सफर करने का बहुत शौक था। अब्बू उसे छुट्टियों में रेलगाड़ी के जरिए मामू के घर ले गए। रात का खाना सबने मिलकर खाया। मीठे में मामू ने रमशा की पसंदीदा रसमलाई और आइसक्रीम भी मंगवाई थी। मामी ने इसे एक रुई से बनी हुई गुड़िया भी तोहफे में दी। आज हम जो हर्फ सीखेंगे वो रे है। ये देखें, ये रे है। इसकी आवाज र है। र, मेरे साथ दोहराएं, र, र। मेरे साथ रे वाले अल्फाज पढ़ें। रे से रेलगाड़ी, रे से रात, रे से रसमलाई, रे से रुई। बच्चों, हम वो अल्फाज सीखेंगे जिनके शुरू में रे आता है। रेलगाड़ी, रसमलाई, रिक्शा, रस्सी, रात, रेलगाड़ी। क्या आपने रेलगाड़ी देखी है? ये देखें, ये रेलगाड़ी है। ये बहुत लंबी होती है और इसमें बहुत से डब्बे होते हैं, जिसमें बैठकर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। रसमलाई, रसमलाई का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। रसमलाई बहुत मजेदार होती है। ये दूध से बनती है और आप तो जानते हैं कि दूध हमारे जिस्म और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप भी रसमलाई शौक से खाते हैं? रिक्शा, रिक्शा के तीन पहिए होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम आता है। रस्सी, रस्सी एक लंबी और मोटी सी डोरी होती है जो किसी चीज को बांधने के काम आती है। बच्चे दरख्त पर रस्सी बांधकर झूला भी झूलते हैं। रात, रात होते ही आसमान पर चांद और तारे निकल आते हैं और सब लोग सो जाते हैं। रुई, इसे कपास भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉटन कहते हैं। ये बहुत नरम और मुलायम होती है। इसे कपड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इन अल्फाज को दोबारा दोहराएं। र, रेलगाड़ी, र, रसमलाई, र, रिक्शा, र, रस्सी, र, रात, र, रुई। बहुत उम्दा, ये सब अल्फाज रे से शुरू हो रहे हैं। अब आप अपनी जांच करें, इन तस्वीरों को गौर से देखें और बताएं कि इनमें किन अल्फाज के शुरू में रे लिखा है। दरख, रसमलाई, जीप, रात, जाल, रिक्शा। क्या दरख के शुरू में रे लिखा है? जरा सोचें। नहीं, बिल्कुल सही, दरख्त के शुरू में रे नहीं लिखा। क्या रसमलाई के शुरू में रे लिखा है? देखें देखें। शाबाश, बिल्कुल सही, रसमलाई रे से शुरू हो रहा है। जाल, क्या जाल के शुरू में रे आ रहा है? नहीं, जार के शुरू में रे नहीं आ रहा।
आपने बिल्कुल सही पहचाना। रसमलाई, रात, रिक्शा, ये अल्फाज रे से शुरू हो रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।